हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक प्यारी सी रैबिट कैप लेकर आई हूँ। ये कैप हम एक महीने से लेकर 4 या 5 साल तक के बच्चे को बड़े आराम से पहना सकते हैं। इस कैप में बच्चे को बहुत आराम रहता है। उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाई जाती है। ये देखिए, ये कैप मैंने 3 महीने के बच्चे के लिए बनाई है, 3 मंथ के लिए। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले 50 फंदे डाले हैं, 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे डालने के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 जाली, ये देखिए, पूरे में मैंने यहाँ पर 2 जाली वाला पैटर्न तैयार किया है। मैं आपको बताती हूँ ये जाली कैसे डलती है। यानी कि मैंने यहाँ पर 24 फंदे बुने, उसके बाद 2 जाली डाली, फिर 24 फंदे बुने। उल्टी सलाई मैंने प्लेन बुनी है। हर सलाई में फिर हमने पहले 24 बुने थे, अगली सलाई में 25, फिर 26, फिर 27। ऐसे हमारा हर सलाई में इधर और इधर एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। देखिए, ये हमारा एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, अब हमारे पहले यहाँ पर हमारे 24 फंदे थे। ये देखो, यहाँ पर हमारे 24 फंदे थे, लेकिन इस समय यहाँ पर हमारे ये जब इससे जस्ट डबल हो जाएं, यानी कि ये हमारे इस समय 48 फंदे हो चुके हैं। दुगने हो गए हैं, डबल हो गए हैं, 48 हो गए हैं, 48 इधर हो गए हैं और जाली के 48 ही इधर हो गए हैं। ये दोनों साइड हमारे 48 फंदे हो गए हैं। उसके बाद हमें इसको रोक देना है। फिर हमें इसको, मैंने इसको रोक दिया है। ये जाली आप बड़े आराम से डाल सकती हैं। ये 2 जाली सबको बनानी आती है, जो लगातार 2 जाली बनती हैं। इसमें हमें कहीं भी फंदा घटाना नहीं है, बस यहाँ हमारा जाली से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। इधर हमारे मैंने आपको बताया, मैंने 50 फंदे डाले थे, 24 फंदे बुने, 2 जाली डाली, फिर 24 फंदे बुने। उल्टी सलाई बिल्कुल प्लेन ली है। फिर हमने नेक्स्ट सलाई में 25 फंदे बुने, 2 जाली डाली, फिर 25 फंदे बुने। उल्टी सलाई बिल्कुल प्लेन रहेगी। ऐसे हमारा हर सलाई में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। जब हमारे यहाँ से जस्ट डबल, यानी कि यहाँ 24 फंदे थे, या पूरे फंदे देख लीजिए कि हमारे 50 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पर 100 फंदे हो गए हैं। अब मैं इसको बताती हूँ कि ये कैप कैसे बनती है। ये जो 100 हो गए हैं, यानी कि इधर के हमारे ये 48 फंदे हैं। 48 के आधे हम 24 फंदे इस सलाई में बुन लेते हैं। ये देखिए, इस सलाई में मैंने जो ये हमारे आधे फंदे थे, उसके आधे, यानी कि हमारे 48 फंदे थे, मैंने 24 फंदे इस सलाई में बुन लिए हैं। ध्यान दीजिए, अब जब मैंने फंदे बुन लिए हैं, अब मैंने इस सलाई को इस सलाई से ऐसे, ध्यान दीजिए, यानी कि ये सीधी सलाई है। ये देखिए, सीधे पार्ट को, ये सीधा पार्ट है, हमने ऐसे उल्टे पार्ट को ऐसे, इधर हमें उल्टा नजर आना चाहिए, ये हमें उल्टा नजर आ रहा है। ये मैंने 24 फंदे इस सलाई में है और 24 फंदे हमारे इस सलाई में है। इधर के फंदों की अभी हम बात नहीं करते हैं। अब देखिए, हम इनको जैसे मुड्ढे घटाते हैं, हमने एक फंदा इसमें से लिया और एक फंदा इसमें से, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया। फिर से हमने ऐसे ही किया, एक फंदा इससे लिया और एक इससे लिया, और इन दोनों फंदों को मैंने ये, और इनको हमने एक के ऊपर एक, ये फंदा मैंने फंदे के ऊपर उतार दिया। हमें ये सारे फंदे, दोनों में से एक एक फंदा लेना है, इनको एक साथ ऐसे उतार देना है। अब मेरे को इसको फंदे के ऊपर से ऐसे फंदा उतार दिया, फिर से ये किया, ये ऐसे किया, ये, और इस फंदे को हमने पीछे वाले को आगे के ऊपर उतार दिया। हम ये 24 के 24 फंदे ऐसे ही घटा देंगे, यानी कि दोनों सलाइयों में से लेंगे और एक फंदे को ऐसे पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर उतार देंगे। इस तरह करते हुए हम ये 24 के 24 फंदे घटा देंगे। ये देखिए, इस तरह हमने सारे फंदे इधर के घटा दिए हैं। अब हम इधर भी वही, ये देखिए, इधर भी हम 24 फंदे बुन लेते हैं। अब मैं 24 फंदे बुन लेती हूँ, 2
तीन, ये देखिए मैंने अब ये 24 फंदे बुन लिए हैं। अब फिर हम इनको फिर से ऐसे हाफ मोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने इसको आधा मोड़ दिया है और यहां से फिर से हम वही ये 24 फंदे भी ऐसे, ये 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 देखिए ये और ये, ऐसे करते हुए हम इन 24 फंदों को भी घटा देंगे। ये देखिए इस तरह मैंने इधर के भी ये 24 फंदे और इधर के भी दोनों तरफ के घटा दिए हैं। इसके बाद ये देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं, इसमें रैबिट की तरह ये हमारे दो कान तैयार हो जाएंगे, ये और ये। अब देखिए अब मैं हमारे यहां बीच में बनाने के लिए एक हम ट्रायंगल पीस तैयार करते हैं। इसके लिए देखिए हम तीन फंदे डालेंगे, हमें केवल तीन फंदे डालने हैं। ये देखिए मैंने तीन फंदे डाले हैं। अब हम हर सलाई में फंदे बढ़ाएंगे, एक इस फंदे को हम दो बार बुनेंगे, दो, मैंने दो बना लिए। बीच का फंदा बुनेंगे, और यहां पर हम आखिरी के फंदे का भी दो फंदे बनाएंगे। यानी कि ये हमारे पांच फंदे हो गए हैं। उल्टी सलाई हम प्लेन करेंगे। चार, पांच, ये देखिए उल्टी सिलाई मैंने प्लेन की है। अब ये हमारे पांच हो गए हैं। इस बार हम इनको सात कर लेंगे, एक इसी को दोबारा बुनेंगे, तो एक फंदा बढ़ा लिया, तीन, चार, पांच, और इस फंदे को हम दो बार बुनेंगे, ये हमारे सात फंदे हो गए हैं। उल्टी सिलाई हमारी प्लेन रहेगी। ये देखिए ऐसे करते हुए इस तरह हम एक ट्रायंगल पीस तैयार हो गया है हमारा। इसमें मैंने ऊपर यहाँ पर 20 फंदे 21 फंदे बना लिए हैं। जब हमारे यहाँ पर 21 फंदे हो गए हैं तो मैंने इसको बंद कर दिया है। अब देखिए मैं इसको आपको सिलने का तरीका बताती हूँ, इसको हम कैसे लगाते हैं। देखिए ये मैंने इधर से सिल दिया है। अब मैं इसको इधर से, यहां से इधर वाला पार्ट मैंने सिल दिया है, अब मैं इधर से भी इसको सिल देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऐसे सिल दिया है, एक यहां से और एक यहां से इसको सिल दिया है। ये देखिए ऐसे। अब हम इसको यहां से लेके और यहां तक 70 फंदे उठाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फंदे, यहां से हम फंदे उठाने शुरू करेंगे और यहां से हम 70 फंदे उठाएंगे। यहां से हम शुरू करेंगे ये, फिर हम यहां और फिर हम यहां पर, यानी कि हमें ये देखिए 70 फंदे उठाने हैं, 25 फंदे हम यहां उठाएंगे, 20 फंदे यहां उठाएंगे और 25 फंदे यहां उठाएंगे। ये देखिए
इस तरह मैंने यहाँ पर 70 फंदे उठा लिए हैं। अब मैं इनको इनकी 8 सलाई सीधी सीधी, हमें और कुछ नहीं करना है, केवल 8 सलाई सीधी बनानी है, वो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, अब हम इस तरह क्रोशिए से इसमें डोरी बना देते हैं। ये हमने ऐसे किया, ये इसमें डाला और यहाँ से हमने ऐसे करके इसमें हम क्रोशिए की डोरी बना देते हैं। लेस बनाएंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह ये हमारी कैप अब बिल्कुल पूरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे पहनें। ये देखिए हम इसको बच्चे को ऐसे करके ऐसे दोनों, ये पूरे बड़े आराम से आ जाएगी बच्चे को। ये देखिए इसके रैबिट जैसे कान है और इसको इससे देखिए ये बच्चे का पूरा मुंह ढक जाएगा। देखिए इस तरह ये एक बच्चे को कैप बड़ी बिल्कुल पूरी आ जाएगी। ये देखिए और पीछे से भी ये वाला ऐसे, देखिए पीछे से भी इससे पूरा सर ढक जाता है और आगे ऐसे हम अपनी ये मंकी कैप तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, बड़ी आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं, डबल कलर में, सिंगल कलर में। न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बहुत अच्छी रहती है, ठंड नहीं लगती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।